अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। मुझे जावेद इकराम साहब का फोन आया था। वो मुझे बता रहे थे कि तुम उनकी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो। मुझे बताए बिना तुमने इतना बड़ा फैसला कर भी लिया। अगर उसने मेरी इज्जत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। और उनसे मुकाबला करने के लिए मैं कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। मुझे अंदाजा है कि उनसे मुकाबला करने की हमें जरूरत नहीं महसूस होगी। अब मैं इसमें मेरा क्या कसूर है कि मेरी बेटी राबी मेरे हाथों से निकल के जिब्रान की झोली में जा गिरी है। तू क्यों चेता रहा है? तेरी बहन लगती क्या? हाँ, ये मेरी बहन है, समझी? आप प्लीज इन झगड़ा यहीं खत्म कर दें। वहीद, तुम यहाँ से प्लीज चले जाओ, बहुत रश लग रहा है, यहाँ तो लोग जमा हो रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से। अरे नायला नायला नायला, अब्बा ने वो पैसे मुझे इसलिए नहीं दिए कि वो घर में छोड़ दूँ। तो क्या जिंदगी भर तुम बाहर रहना चाहते हो? अरे मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मेरी बीवी ने मेरी मर्जी के खिलाफ उसके सामने जिब्रान से कर दी है। जिब्रान और राबी से शादी? तुम मेरे साथ डबल गेम खेल रहे हो, मुझे पता है। शुक्र हुआ कि तुम आ गए। तुम्हारे जाने के बाद ना अम्मा आई थी, बता रही थी कि अब्बा कल सुबह से घर से निकले हुए और अभी तक वापस नहीं आए, बहुत परेशानी हो रही है। अगर तुम उनकी सब गलतियां भुलाकर उनके लिए फिक्रमंद हो, तो उनका गुम हो जाना मेरे लिए भी बाइस फिक्र है। बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? अब्बा का जहाँ जहाँ आना जाना था वहाँ तो अम्मा ने पता कर लिया है, लेकिन कुछ पता नहीं चला अभी तक। तुमने तो बताया था कि वो नशा बशा भी करते थे। हाँ वो बात ठीक है, लेकिन वो घर वापस जरूर आते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि अब्बा दूसरे दिन भी घर ना आए। अम्मा भी बहुत परेशान है। अच्छा देखो, तुम परेशान मत हो, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अगर रात तक पता नहीं चला तो हम पुलिस स्टेशन चल के रिपोर्ट लिखवा लेंगे। अव्वल तो मुझे ये लगता है कि तुम्हारी और मेरी शादी का सुनकर उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और तुम्हारी अम्मा से लड़कर चले गए। दोनों का झगड़ा जरूर हुआ है, लेकिन मुझे पता है वो इस बात पे कभी घर छोड़ के नहीं जाएंगे। कहीं से दाऊद? अच्छा देखो, तुम मजीद परेशान मत हो, मैं मालूमात करता हूँ। तुम ऐसा करो, मुझे खाना दो, मैं जाके देखता हूँ, मैं जरा हाथ धो के आया। सालन बहुत अच्छा बनाया भाई मैंने। अगर बात करूं, शहजाद के पैसे संभालते रखेंगे ना? हाँ हाँ, संभाल के रखे हैं अलमारी में, फिक्र मत करो तुम। समझ नहीं रहे हो, मेरा मतलब है कि अलमारी की चाबियां संभाल के रखी, इधर उधर तो नहीं रख दी? अरे इस घर में आता ही कौन है जिसकी नजर पड़ेगी, फजूल बातें करते हैं। बड़ी शामत जो आती है उसको कोई वक्त नहीं होता। कुछ नहीं होता ऐसा, मुझे तो बस एक ही बात की फिक्र है। क्या? मुझे नायला कहिए ना यहाँ से मेरी बेइज्जती करके, वो दिन आज तक मुझे नहीं भूलता है। सच पूछो तो अगर वो दिन याद करूँ ना तो इस शहजाद को एक रुपया देने का दिल नहीं है मेरा। सुबेदा बेगम, उसकी बात छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ शहजाद के बारे में सुनो। देखो उसकी बीवी लाख गलतियां करे, मगर हमें शहजाद को टूटने नहीं देना, क्योंकि शहजाद हमारी जरूरत है और हम शहजाद। जरा समझा करो बात।
तो वो दोनों क्यों नहीं सोचते इस तरह? अभी एहसास नहीं हुआ, जब उनकी औलाद होगी ना तब इन बातों का एहसास होगा। खाक होगी औलाद, 4 साल हो चुके हैं शादी को। मैं तो पोती पोती की शक्ल देखने के लिए तरस गई, मगर इस नायला को एहसास हो तब की बात है ना। पता नहीं क्या सबक पढ़ के आई है अपने घर से, जो हम लोगों पे दोहरा रही है। उसे बेहतर देखो, औलाद हो जाएगी उसकी, तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह बेहतर हो। मेरे शहजाद में तो किसी चीज की कमी नहीं, ये नायला है ना इसी का मूड नहीं है बच्चा पैदा करने का, आप देख लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ अल्लाह ताला बेहतर करेगा, उसको उसकी तौफीक भी देगा। बस तुम तो यही सोचते रहना, अरे तौफीक देने के बाद अगर उसको हाजत ही ना हो तो क्या खाक करेगी वो? भेजा था मैंने शहजाद को, नहीं आई वो। मैंने तो सुना है कि वो अलग घर लेके रहने की बातें कर रही है। ये नखरे हो गए तुम्हारी बहू के, तुम लगे रहो तारीफ में। अरे भाई क्यों परेशान होती है, अल्लाह बेहतर करेगा, सब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। सबर से ही बैठी हूँ, सब ठीक हो जाए तो अच्छा। तुम लोग यहीं ठहरो, मैं पता करके आता हूँ। किसका? रावी का। जाहिर सी बात है जिब्रान से शादी हुई तो घर पर ही होंगी ना यार। अंशी, जिब्रान है घर पर? नहीं वो तो अभी गए हैं, आपको कोई काम था? जी कुछ ऐसा ही समझे। आप रात को आ जाइएगा, मैं उन्हें बता दूंगी कि उनका दोस्त आया था। अरे नहीं उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं उनका दोस्त हूँ, इधर से गुजर रहा था तो सोचा मिलता चलूँ। अच्छा जी चलता हूँ मैं, खुदा हाफिज। लगता है शिकार रखो लगा के आए हो। हाँ किसी भी वक्त आके चपेट मार सकते हैं। हर जगह जिब्रान और राबी की शादी के चर्चे चल रहे, बहुत मशहूर हो गई दोनों की जोड़ी। बकवास बंद करो, अब इस सच को झूठ साबित करना पड़ेगा। मुझे तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा सेठ जी, अगर राबी को जिब्रान के घर पे ना देखा होता कुछ भी मुमकिन था, अब वो आपके काबिल नहीं रही सेठ जी। अरे मेरे शेरो, मार धार चोरी चकारी और डाके के सिवा तुम लोगों ने देखा ही क्या है? ये दिल का मामला है तेरी का। अगर ऐसी बात है सेठ जी, रवि अभी भी हमारे रेंज में, आपको कहीं करें हम लाके खड़ा कर देंगे, बाकी चूहे का क्या करना है अभी। इसके बारे में बाद में सोचेंगे, फिलहाल मेरा राबी को देखने को फिर मच। सेठ जी मुझे रहम करो, मेरे पे बाकी तो सेठ जी वो प्यास में मैं तड़प रहा हूँ सेठ जी, वो जाने वो जाने वो। इधर मैं तुम्हारी बेटी राबी के लिए कितना सड़क रहा हूँ, इस बात का तुम्हें एहसास है? तुमने भी कौन सी वफादारी निभाई मुझसे, तुमने भी तो बेवफाई की। सेठ जी ये बहुत चालाक आदमी है। सही कह रहे हैं सेठ जी, ये ऐसे लगता है जिब्रान जैसे कई लोगों से ये बराबर का हिस्सा लेता रहा, आपकी तरह कई लोगों को आश्रय में रखा इसने।
सदा ही आज इसी बात की भुगत रहा है। आओ मेरे साथ। सेठ जी, सेठ जी मेरी बात, सेठ जी मेरी बात, सेठ जी मेरी बात, सेठ जी मेरी बात। अम्मा, मैंने आपको मना किया था ना कि आज आप खाना नहीं बनाएंगी। मैंने नसरीन से एक स्पेशल डिश सीखी है, आज खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। अरे भाई, तुम्हारी ये स्पेशल डिश इसके चक्कर में कहीं लेट ना हो जाए, तुम्हारे अब्बा को और भाई को भूख लगी हुई है। अरे माँ, फिक्र ही ना करें, मैं सिर्फ आधे घंटे में तैयार कर दूंगी। आप जाएं, जाकर बेडरूम में आराम करें और आज सारा किचन का काम मैं करूंगी। चलो भाई, अब तुम जिद कर रही हो तो मुझे जाना ही पड़ेगा, मगर जरा जल्दी बना लेना। आप फिक्र ही ना करें ना, मैं आपसे कह तो रही हूँ आधे घंटे में बन जाएगा। बड़ा शौक चढ़ा है आज। ये क्या हालत बना रखी है, कहाँ गए थे तुम? आधी रात को आए हो। क्या तुम शर्मा? एक मिनट में साफ करती हूँ। इसने तुम्हें कहा था कहाँ जाकर फंसे हो? ये ना मारा है ना। अगर आज मैं तुम तीनों को एक साथ टैक्सी में बैठे न देखता तो मैं कभी यकीन नहीं करता कि
राबी ने जिब्रान से शादी कर ली है, लेकिन मैं अभी यही कहता हूं कि तुमने शादी करवा के बहुत गलती की है। चलो सेठ दाऊद में सही, कोई और सेठ होता तो ये जो हमारे गरीबी के दिन है ये इनसे नजात तो मिल जाती है हमें। जतिन, तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरा आज भी वही जवाब है जो इससे कई मर्तबा तुम्हें दे चुकी हूँ। अपनी गुर्बत मिटाने के लिए अपनी बेटी को आग में धकेलना नहीं चाहती थी। तो इसका नतीजा देख लिया ना, तुम्हारी जिद और कारनामे की वजह से सेठ दाऊद और उसके आदमियों ने मेरा क्या असर कर दिया। ये सब तेरी अपनी गलती की वजह से हुआ है। उनको तुम्हारी वफादारी पर शक हुआ और इस हद तक पहुंच गए। अब जिब्रान और राबी के लिए तुम्हारे दिल में जो नफरत है उसे खत्म करो, उनको सुकून से जीने दो। राबी अब भीख नहीं मांगती है, वो जिब्रान से शादी करके बहुत खुश है। अब उससे उसकी खुशियां छीनने की कोशिश हरगिज मत करना। पहले राबी के पल पर ये घर चलता था, अब कैसे चलेगा? अल्लाह मालिक है। अल्लाह तो मालिक है और रहेगा वो, लेकिन घर बैठे हमें कैसे नवाजेगा वो? नवाजेगा, जरा हिम्मत तो करो ना, बाहर नौकरियां ही नौकरियां पड़ी हैं। मेरे को कुछ कौन देगा नौकरी? इस तरह सोचने से तो वाकई कोई नहीं देगा, किसी दिन संजीदगी से मांग कर तो देखो ना। खुदा का शुक्रिया तुम्हारे हाथ पैर सलामत है, बस एक नशे की आदत को खत्म करो। बस आखिरी बार अपनी गलतियों और गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की तरफ रुजू करो, फिर देखो किस तरह नौकरियों के दरवाजे खुलते हैं। अब तो बदल गई है सकीना, रामी ने तेरे को बिल्कुल बदल दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है, एक ना एक दिन इंसान को खुद बदलना पड़ता है और इंसान की अपनी जात उसके सहारे के तौर पर काम आती है। और मैं राबी से मिलना चाहता हूँ। तू मेरे को राबी के पास ले चल। नहीं, मैं तुम्हें राबी के पास कभी भी लेकर नहीं जा सकती। तो मैं उसका बाप हूँ सकीना, तू मुझे उससे मिलने से क्यों रोकती है? उससे मिलना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन रहा सवाल बाप होने का, तो उसका हक तुम्हें उस वक्त पहुंचता है जब तुम उन तमाम ज्यादतियों का अजाला करो जो तुमने राबिया पर किए हैं। वही तो करने जा रहा हूं सकीना, जब तक मैं उससे मिलूंगा नहीं तो माफी कैसे मांगूंगा उससे? मेरा यकीन कर ले सकीना, मेरा यकीन कर ले, मेरे दिल में अपनी बेटी के लिए कोई सोच नहीं है। क्या करूं, चाहने के बावजूद भी पता क्यों मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं आ रहा। बस आखिरी बार मेरा यकीन कर ले, अगर फिर भी भरोसा ना हो तो मुझे मेरी बेटी को दूर से दिखा दे। मुझे राबिया से पूछने दो, अगर वो मिलने के लिए तैयार है तो मैं तुम्हें जरूर मिलाऊंगी। बात को क्यों बदल रही है सकीना? वो मुझसे मिलने से इनकार नहीं करेगी, जब वो मेरे गुमशुदा होने पर परेशान हो सकती है।
और मेरी रिपोर्ट थाने में लिखवाने जा सकती है, तुम कैसे इनकार कर सकती है मुझसे मिलने के लिए? इसी बात का तो एहसास दिलाना चाह रही हूँ तुम्हें। मैं हमेशा उसके लिए बुरा ही सोचा है, शादी के बाद भी उसके लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए कोई मौका जाया नहीं किया, और जब तुम इस मुश्किल में पड़ गए तो राबिया से बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी बेटी वाकई बहुत अच्छी है, फिर समझ नहीं आता कि मैं किस मुंह से उसका सामना कर दूं। कयूं कयूं कुछ नहीं होगा, सब सही हो जाएगा, फिक्र मत करो।